पुरानी रंजिश को लेकर 7 लोगों पर युवक पर किया जानलेवा हमला, हाथ पैर तोड़े, मन्नासन्न हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती। श्योपुर जिले के मंगरौली थाने के खोट बावड़ी गांव में मंगलवार की रात खेत पर काम कर रहे एक युवक पर 7 लोगों ने धारदार हथियारों से प्राणघातक हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। पीड़ित ने इसकी शिकायत मंगरौनी चौक में दर्ज कराई, लेकिन उचित सुनवाई नहीं हुई। आज घायल के भाई ने SP ऑफिस पहुंचकर अपने भाई पर प्राणघातक हमला बोलने वालों के खिलाफ उचित कार्यवाही की मांग को लेकर एक आवेदन सौंपा है। खोड़बावड़ी के रहने वाले रामरस सिंह गुर्जर ने बताया कि मंगलवार की रात उसका 35 वर्षीय भाई होतम सिंह गुर्जर अपने खेत पर था। इस दौरान पुरानी रंजिश के चलते गांव के रहने वाले लक्ष्मण गुर्जर, लुल्लू गुर्जर, रवि गुर्जर, साधु गुर्जर, वकीला गुर्जर और उनके मुरैना जिले के काइटोर गांव के रहने वाले सहयोगी जोगिंदर सिंह पुल्लू ने मिलकर भाई को घेर कर उस पर लाठी डंडू और कुल्हाड़ियों से हमला बोल दिया था। इस मामले में मगरौनी चौकी प्रभारी जूली तोमर का कहना है कि रात में देहात नालसी करवाकर कर रात में ही जोगिंदर गुर्जर, रवि कुल्लू गुर्जर, साधु गुर्जर के खिलाफ IPC की धारा 323, 394, 506, 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। घायल की मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद धाराओं में इजाफा किया जा सकता है। पड़ता है मगरौनी के पास में। क्या मामला लेके आया है? मामला जो लेके आया हूँ कि मेरे भैया के हाथ पर टोट गई। किसने? ये लोग मैं बता रहा हूँ, लक्ष्मण, लल्लो, रवि, साधु, जोगिंदर, पुल्लो, ये लोग हैं। किस बात को लेके मारा हूँ? पैसे ले गए तो चोरी करके पहले। कब? पहले ले गए तो पैसे भी चली गई तो कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर उसके बाद में रात भैया को मेरे को बनने के देख लेने जा करो तुम, फिर उनने थोड़ा पार्टी कर दी उसकी, पुलिस चौकी गया तो वहाँ भी सुनवाई नहीं हुई मेरी। कब की घटना है? कल लगी। कल की घटना? हाँ जी। तो पुलिस सुनवाई नहीं कर रही? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे साहब। अभी आपका भाई कहाँ है? भाई मेरा मेडिकल कॉलेज में। कैसी है, कैसी हालत है? गंभीर हालत में साहब। जी जी, फोटो है साहब, बोल नहीं रहा मेरा भाई। अच्छा, हाँ ऐसे सही पकड़ लो।